नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिग ब्रदर ने और जा रही है, बेहद बुरी खबर है। करनाल में पसरा है मातम शोक की लहर, तो अभी भी परिवार में 3 का हुआ है निधन। बड़ी खबर है, बेहद बुरी खबर आ रही है, तो अभी भी करनाल में छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, एक ही परिवार में 1.5 साल में तीसरी मौत। इस वक्त की बेहद बुरी खबर है, करनाल जिले के त्रावड़ी एरिया में रहने वाली छात्रा ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। छात्रा की मौत के बाद आसपास के क्षेत्र में मातम फैल गया है। बताया जा रहा है कि छात्रा घर पर अकेली थी। उसके पिता जगबीर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वह काम पर गए हुए थे और माता भी खेत में काम करती है। जब परिवार के सदस्यों ने घर में आकर देखा तो उनकी बेटी कमरे में पंखे से बंधी चुन्नी से लटकी हुई थी। बता दें कि 1.5 साल में एक ही परिवार में तीसरी मौत है। इससे पहले भी घर के 2 सदस्यों ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता जगबीर ने बताया कुछ माह पहले भी उसकी बड़ी बेटी 17 वर्षीय ममता ने भी फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी और इसके बाद उसके भाई ताराचंद के बेटे 20 वर्षीय अशोक भी फंदे पर लटका हुआ मिला था। और बताया कि उन्हीं के परिवार ने उन पर तांत्रिक क्रिया करवाई हुई थी, जिससे उनके घर में तीसरी मौत है और तीनों मौत फांसी के फंदे पर लटक कर हुई है। और बताया कि 3 मौतों के अलावा उनकी एक और बेटी भी है, वो तांत्रिक क्रिया के चलते दिमागी तौर पर परेशान है।